हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कैसे मैं वेद करता हूँ सर, खेजी से हूँ। आज की शीट के अंदर, आज की क्लास के अंदर मैं एक शीट समझाऊंगा, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट। जैसे कि मैंने कुछ डेटा उसके अंदर थोड़ा सा बना कर रख लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले मिसाल के तौर पर ऐसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे मर्ज कर देना है। यहाँ पर लिख देना है फिक्स डिपॉजिट अमाउंट कैलकुलेट। उसके बाद यहाँ पर नेम लिखना है, जैसे कि सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, जैसे ये लिखे मैं भी मैंने बनाई हुई है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फार्मूला लगाना पड़ेगा फीचर वैल्यू का। देखो, सबसे पहले तो ये समझा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सीरियल नंबर है, नंबर्स 1 2 3, कस्टमर नेम, नाम जो भी हो उसका, बंदे का नाम। उसके बाद FD अमाउंट, मतलब के कितना लोन ले रहे हैं ना, अमाउंट कितना है। उसके बाद टाइम, कितने साल का टाइम, 1 साल का 2 साल का 5 साल का। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है, मतलब कि उसके ऊपर ब्याज कितना देना पड़ेगा। उसके बाद हम FV अमाउंट, मतलब कि फ्यूचर की वैल्यू के हिसाब से कितना बनेगा टोटल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे इजिकल टू, फिर उसके बाद FV ब्रैकेट ओपन। उसके बाद क्लिक करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद क्लिक करेंगे टाइम डायरेक्शन, फिर डबल कॉमा लगाएंगे। फिर हमें क्लिक करना है FD अमाउंट को, उसके बाद कॉमा लगाकर, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, कॉमा लगाकर जीरो लगाएंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर करेंगे तो ये फार्मूला ऐसे ऐड हो जाएगी। सब पर ऐड करना है तो यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ से इन सब को ऐसे कॉपी कर दें नीचे, जहाँ तक भी आप बनाना चाहते हैं वहाँ तक आप इसे कॉपी कर देंगे, सब पर ये ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ये अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर सिर्फ आप 60,000 ऐड करना चाहते हैं, तो इंटर करोगे, 60,000 के हिसाब से ब्याज लगेगा, 60,000 के हिसाब से आपका वो बन जाएगा। उसके बाद टाइम है, टाइम को भी चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि इसकी 2 साल का टाइम हो तो फिर यहाँ से इंटर करोगे, फिर 2 साल के टाइम के हिसाब से आपका बना कर दे देगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिक्स डिपॉजिट अमाउंट की जो शीट थी ये भी समझ आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, क्लासों की प्रैक्टिस करते रहिएगा।